सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश में होती है बाढ़ से नहीं। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखें, संभावना नहीं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में निकलता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। आज का पंचांग 24 मार्च 2021 दिन बुधवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 10:23 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:33 से 2:03 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 24 मार्च 2021 दिन बुधवार, सुस्त रहना और आराम करना इस समय आपको आकर्षित कर रहा है। आप अपने रचनात्मक पक्ष को सामने लाने के लिए तैयार हैं। कूटनीति से काम करें और मूर्खतापूर्ण जोखिम न उठाएं। परिवार का कोई सदस्य आपका मार्गदर्शन कर सकता है, जिस पर विश्वास है उसके संपर्क में रहें। आज आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, जल्दबाजी में आपका नुकसान ना हो इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने करीबी लोगों की सलाह को माने, क्योंकि यह सलाह आपकी मदद कर सकती है। अपने व्यक्तित्व, उत्साह और दृढ़ संकल्प से सबका दिल जीत लेंगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं बदल सकते। इस राशि के जातकों को आज व्यवसाय से आर्थिक लाभ पाने के लिए काफी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन आशाजनक लाभ न होने से मन में नकारात्मक भाव आएगा। आज धन की कमी रहने पर भी आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में मान सम्मान का योग है। इलेक्ट्रॉनिक संबंधित कारोबार में भी आज किसी दो पक्षों के झगड़े को सुलझाने मध्यस्थ करनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि इससे बचने का प्रयास करें। नौकरी पेशे जातकों को आज मन मुताबिक कार्य करने से लाभ मिलेगा। आज के दिन घर में कई सारी खुशियां लेकर आएगा। संतान संबंधित किसी समाचार से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। शादी संबंधित फैसलों पर भी विचार कर सकते हैं। सावधानियां, आज के दिन आपको अपनी नौकरी व व्यवसाय में अपनी वाणी पर संयम न रखने से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वाणी में सौम्यता बनाए रखें। आज के दिन आपके लिए सुखदायी, आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप आराम या मनोरंजन के मूड में हैं, जहां रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है। कार्य या निजी मामलों में कूटनीति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ध्यान रखें कि सच्चे प्रेम में साथी एक दूसरे को बदलते नहीं हैं, बल्कि जैसे हैं वैसे ही अपनाते हैं। प्रियजनों की सलाह पर ध्यान दें, क्योंकि आपको इसकी सख्त जरूरत है। आज आप अपनी लवर से अपने सपनों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सितारे बता रहे हैं कि समय के साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाएगा। जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनना सीखेंगे तब जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, खासकर जब ये रिश्तों से जुड़े हों। बात करते हैं करियर की। संघर्षों भरे जीवन के इस चरण में आप स्वयं को अचानक टूटा हुआ या उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़ें और उनको हासिल करें। सोच विचार कर जोखिम उठाएं। आज आपको अपना काम संगीत की तरह लग सकता है,
और यह आपको मिल रही सफलता के कारण है। आपको अभी बहुत कुछ हासिल करना है, इसीलिए अच्छे से कमर कस लें। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सब लोग आपके साथ सहज महसूस करेंगे। आपके नजदीकी लोगों को आपकी जरूरत है, इसीलिए उन्हें भी कुछ समय दें। बात करते हैं सेहत की, और दिनों के मुकाबले आज आपको कम भूख लगेगी। हो सकता है यह ज्यादा तनाव की वजह से हो रहा हो। आप खुद पर ज्यादा तनाव ना डालें और न ही खुद को ज्यादा खाने पर मजबूर करें। कुछ ही समय में आपको ठीक भूख लगने लगेगी। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।